जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, इस पोस्ट में इंद्रा एकादशी व्रत पारण की जानकारी शेयर कर रहे हैं। सभी उपवास में केवल एकादशी व्रत ही ऐसा व्रत है जिसकी व्रत में पारण का समय विशेष महत्व रखता है। एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। आइए जानते हैं इंद्रा एकादशी में पारण का शुभ समय क्या है और क्या इसकी विधि है। इंद्रा एकादशी व्रत का पारण 11 अक्टूबर 2023 बुधवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 से सुबह के 8:39 तक रहेगा और पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है शाम को 5:37 तक। और अब जानते हैं इंद्रा एकादशी व्रत पारण की विधि। पारण का अर्थ है व्रत तोड़ना। द्वादशी तिथि समाप्त होने के भीतर ही पारण करें। द्वादशी में पारण ना करना अपराध के समान है। व्रत तोड़ने से पहले हरि वासर के खत्म होने का इंतजार करें। हरि वासर के दौरान पारण नहीं करना चाहिए। मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचें। व्रत तोड़ने का समय प्रातःकाल है। किसी कारणवश प्रातःकाल के दौरान अगर व्रत नहीं तोड़ पाते हैं तो मध्याह्न के बाद ही व्रत खत्म करें और व्रत पारण शुभ मुहूर्त में करें। व्रत पारण करने के लिए सुबह जल्दी उठें, सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल लें और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम सूर्या नमः मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु को स्नान कराएं और विधि विधान से भगवान जी की पूजा करें। पूजन समाप्त होने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद व्रत का पारण करें। पारण हमेशा सात्विक भोजन से ही करें। पारण के दौरान इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। भगवान विष्णु को तुलसी दल प्रिय है ऐसा कहा जाता है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए पारण के समय तुलसी दल को आप मुंह में रखकर पारण करें। मान्यता है आंवले के पेड़ पर भगवान का वास होता है, इसलिए एकादशी व्रत में आंवला खाकर उनके प्रसाद स्वरूप पारण करना चाहिए। अलावा द्वादशी के दिन पारण के समय चावल खाना चाहिए। पारण के लिए पकाए जा रहे भोजन में गाय के घी का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि आप पारण के लिए जो भी बनाएं उसे देसी घी में बनाएं। और पारण करते समय कुछ चीज़ों का प्रयोग भोजन में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध है। बैंगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजना वर्धक होता है। वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए ये व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसीलिए इसका प्रयोग भी वर्जित है। माना जाता है इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना आती है, इसलिए व्रत पारण के समय इन चीज़ों का बिल्कुल प्रयोग ना करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इंद्रा एकादशी व्रत पारण की। अब इस पोस्ट से हमें आज्ञा दीजिए। स्वीकार के लिए मेरा प्यार भरा सस्नेह नमस्कार।